जय हिंद बच्चों, जय मिथिला, जय मैथिली। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ओम के नियम पर। इस पर बात करेंगे ओम के नियम, जो कि आपके एग्जाम के लिए 110% आपका रहता है कि एग्जाम में आने की संभावना रहता है और आता ही है। पर आज का ये वीडियो देख लेते हैं तो 5 नंबर आपका फिक्स है कि आप 5 नंबर आराम से ले आएंगे और ऑब्जेक्टिव 2 से 3 ऑब्जेक्टिव भी आप बना पाएंगे। इसलिए वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। गारंटी लेते हैं कि यदि आप हमें आज 10 मिनट दे देते हैं तो आने वाला टाइम आपका जो एग्जाम है उसमें अच्छा से बना पाएंगे। और इसको क्या बोलते हैं, आज आप लोगों को हम मतलब 10 मिनट के अंदर हथौड़े से ठोक ठोक के जब तक भेजे हम घुसेगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बने रहिए, कुछ नहीं होगा, बने रहिए। चलिए सबसे पहले ओम के नियम को समझने से पहले हम लोग इसके कुछ एलिमेंट होता है उसको जान लेते हैं कि ये एलिमेंट क्या होता है। जैसे ये फिगर आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, पहले यहाँ देखिए, ये एलिमेंट है, ये इसका सिंबल है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या होता है। सबसे पहला मेरा काम है कुछ एलिमेंट को समझना है। जैसे कि विद्युत सेल का एलिमेंट कुछ इस तरह का होता है। देखिए विद्युत सेल का मतलब बैटरी, आपके सामने में एक बैटरी का फोटो आ रहा है, देख लीजिए उसमें एक तरफ है प्लस एक तरफ है माइनस, होता है ना। तो ये विद्युत बैटरी का सेल का ये सिंबल है। दूसरा बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, मेरे पर बच्चों बैटरी अथवा विद्युत, देखिए ये एक मान लेते हैं कि बैटरी है, क्या है बैटरी है, तो बैटरी क्लियर होगा एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस, ये बैटरी में होता है आप देखे होंगे, है ना। अब दूसरा कहता है कि सेलों का संयोजन, मतलब ये सेल को हम मिला देंगे जोड़ देंगे, इसे कहेंगे सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन, सेलों के संयोजन को ही बैटरी कहा जाता है। सेलों के जो संयोजन होता है उसको बैटरी कहेंगे। ढेर सारा बैटरी 2-3 अपना आप लोग घड़ी में देखते होंगे, घड़ी में नहीं टॉर्च में देखते होंगे कि उसमें 2 से 3 बैटरी लगाया जाता है। पहले का टॉर्च, अभी का टॉर्च तो शायद वो चार्जिंग वाला बात हो गया है तो उसमें बैटरी देखने को नहीं मिलता है आप लोगों को। पुराना यदि आपके घर में होगा तो उसमें देखिएगा कि एक बैटरी फिर दूसरा बैटरी फिर तीसरा बैटरी इस तरह से घुसाते हैं तब जाकर आपका टॉर्च बढ़ता है। ये एक बैटरी, ये दूसरा बैटरी, ये मतलब बैटरी का क्या कर दिए, संयोजन कर दिए, मतलब सेलों का संयोजन को ही बैटरी कहते हैं। ये इसका सिंबल है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका सिंबल है। आगे बढ़ते हैं, कुंजी अथवा स्विच, कुंजी अथवा स्विच आपको ये दिखा दे रहा है, ये खुली स्विच है, क्या ये खुली स्विच है, मतलब देख रहे ये बिंदु खुली स्विच है, ये बंद स्विच है। सिंबल समझिएगा, ये खुली स्विच का है, ये बंद स्विच का है, ठीक है। ये यहाँ अपोजिट होता है, ये बिंदु दिया हुआ है इसका मतलब बंद है, ये बंद बिंदु नहीं है मतलब खुला है, ठीक। खुला होगा तो आपका धारा जो होता है प्रवाह नहीं करेगा, खुला होगा तो धारा प्रवाह नहीं करता है, मतलब इसको इस तरह हम अच्छा से लिखते हैं। जैसे ये एक वायर है, इसके बीच में एक स्विच लगा हुआ, ठीक है, स्विच लगा, ये अभी खुला स्विच है, और जब ये इसको हम बंद करेंगे ना तो ये इस दोनों को कनेक्ट कर देगा, मतलब ये चालू हो गया, अब धारा यहाँ इधर से इधर जा सकता है, है ना। तो खुली स्विच बंद स्विच समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं कि लिखा है तार संधि, मतलब ज्वाइंट। देखिए एक तार में हम लोग घर में क्या करते हैं, उसको दूसरा में कहीं कनेक्ट कर मतलब करना करने का रहता है तो हम उसको जोड़ते हैं ना, सुसो के मतलब करके उसको दो करते हैं ना। तो ये एक वायर है, इसमें अगला वायर से क्या करते हैं इसको हम कनेक्ट करेंगे मतलब जोड़ेंगे, जहाँ जोड़ेंगे थोड़ा सा मोटा हो जाता है ना, लटपटा के, क्लियर है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो ये हो गया इसका, इसको क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पर सिंबल देखिए तार संधि, क्या कहेंगे तार संधि। अगला आ जाते हैं विद्युत बल, विद्युत बल एक मिनट सॉरी 5 नंबर पॉइंट में तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग इसको भी समझिएगा आप लोग। इसका सिंबल तो आप देखिए रहे, इसको ऐसे बना ऐसे होता है, ये एक वायर आ रहा है, दूसरा वायर यदि हम पास करेंगे ना तो इसको इसमें टच करने जहाँ पे करेगा इसको थोड़ा सा ऊपर करके फिर ऐसे जाएगा, ये वायर है, इस पर से ऊपर से ले जाना है तो इस तरह से जाएगा ना, मतलब यहाँ पर थोड़ा अलग जाता है ना, खुलता है ना, तो कुछ यही है। तो ये क्या होगा, इसको क्या कहेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहेंगे तार क्रॉसिंग, ठीक है। अगला है विद्युत बल, विद्युत बल तो जानते ही हैं, देखे भी होंगे, फिलहाल इसको हम इसका जो सिंबल होता है मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से होता है, ये आया ये आया ये आया ये होगा, ये विद्युत बल्ब का सिंबल है। आपको कहेगा विद्युत बल्ब के बारे में बताने के लिए,
अभी हम आगे पढ़ेंगे वो सब चीजें, तो इसमें क्या करेंगे आप, विद्युत बल्ब बनाने के लिए नहीं ले जाएंगे थोड़ा सा, या फिर आप बल्ब बनाइएगा इस तरह से, हमको इतना अच्छा से नहीं आता है, बना लेंगे तो कुछ इस तरह का बल्ब बनाइएगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि ये इसका सिंबल होता है, ये बना देंगे आप लोग, तो विद्युत बल्ब का सिंबल आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं प्रतिरोधक। देखिए हम फर्स्ट इसलिए बता रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर आपको हम समझा दें, ये आपको ओम के नियम बनाना नहीं है, बस आपको समझने के लिए है, बनाना इधर है, थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए। तो ये इसका सिंबल है। प्रतिरोधक का मतलब होता है कि जहां से तार क्या होता है, फॉलो होता है, मतलब फॉलो मतलब जाता है, जैसे वायर है, इस ये वायर है, इस मान लेते ये वायर है, इससे धारा जहां से प्लस माइनस आपको पता है, तार का दो छड़ इधर इधर जो प्रवेश करता है, यह ये जो होता है ये प्रतिरोध होगा, इस बीच में जिधर से जाता है ना वो प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध पता चला, रजिस्टर कुछ इस प्रकार का इसका सिंबल होता है। आगे बढ़ते हैं कि धारा नियंत्रक क्या होता है, धारा नियंत्रक कुछ इस प्रकार का होता है, यही प्रतिरोध के ही तरह होता है, ये धारा को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसको नियंत्रण करके रखता है। अगला नौ नंबर पॉइंट है एमीटर, और दूसरा 10 नंबर है वोल्टमीटर। एमीटर का सिंबल देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, इस तरह से जाएगा, बीच में इसको ऐसे बना देंगे, बस हो गया, ये ए दे देंगे तो ये एमीटर हो गया, यही चीज को ऐसे करके भी दे देंगे तो ये वोल्टमीटर हो गया, प्लस माइनस सब में होगा, आपको पता होगा। ओके, एमीटर वोल्टमीटर का आप लोग सिंबल देख लिया, सबको किसी को कोई डॉट, आप लोगों को भी कोई डॉट नहीं, आप लोग पढ़ भी चुके थे, ये रिपीट क्लास है। अभी आगे बढ़िए सर, ये मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, इसको जाना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, क्या वीडियो में आ रहा है, आ रहा है, ओके। ए मीटर क्या होता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, दो ऑब्जेक्टिव बनता है। देखिए, ऐसा यंत्र जो विद्युत धारा का मान ज्ञात करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमीटर। मतलब जिससे विद्युत धारा को मापा जाता है ना, उसे एमीटर कहा जाता है। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, एमीटर कहा जाता है। सर वोल्ट मीटर क्या होता है, जिस यंत्र के द्वारा हम विभवांतर को विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं, उसे वोल्टमीटर कहते हैं। ओके, दो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे आप लोग गौर से देख लेंगे। अब ये वोल्टमीटर एमीटर क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जान गए। अब आते हैं जो मेन मुद्दा पर, आप लोग कहते हैं सर तभी से बकबक क्या कर रहे हैं, बकबक नहीं था वो, अच्छी चीज था। चलिए अब आते हैं आप लोगों को, बहुत ही सिंपल है, दो मिनट में बना के पार कर दीजिएगा आप लोग, पहले इसको देख लीजिए। देखिए ओम का नियम जानने से पहले इसका डिफिनेशन आप तो याद कर लेंगे, और नहीं तो इसको देखिए, ये एक प्रकार का दो सिरा वाला एक वायर है, क्या है, एक नियत ताप है, मतलब एक वायर है, दो सिरा है, दिखाई दे रहा है इसमें, दे रहा है, दो सिरा है, यहां से एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, एक छोर ये, दूसरा छोर यह, यहां से जब धारा प्रवाहित करें इसके मध्य में मतलब बीच में क्या होगा, एक होगा भी मतलब आय, और दूसरा होगा भी मतलब आय, मतलब धारा, भी मतलब विभवांतर, आय मतलब धारा, भी मतलब विभवांतर। मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी नियत ताप पर धारा का मान जब हम बढ़ाते हैं तो विभवांतर का भी मान बढ़ता है, जब धारा का मान घटाएंगे तो विभवांतर का भी मान घटेगा, ये है सब्जेक्टिव बनता है, इसको गौर से समझना कि धारा का मान जब हम बढ़ाते हैं तो विभवांतर का भी मान बढ़ता है, और धारा का मान जब घटाते हैं तो विभवांतर का भी मान घट जाता है। क्लियर। यहाँ पे एक चीज और आता है कि कहते हैं कि चालक क्या होता है, चालक वह होता है जो आप सोच रहे हैं वो चालक नहीं होता है यहाँ पे दूसरा चालक होता है। हम लोग अपने समय जब पढ़ते थे ना तो चालाक समझते थे कि चालाक वाली बात, बस ऐसा कुछ नहीं है,
ये चालक वह होता है जो ऐसा वायर जिससे धारा प्रवाहित हो सके या होता हो उसे हम लोग चालक कहते हैं। जैसे ये एक वायर है, मेरे पास यही है समझाने के लिए, इसे हम इसे समझाते हैं। ये मान लेते हैं कि ये वायर है, तो यदि ये वायर यहाँ से करंट, मतलब यहाँ से इधर इस छोर से इस छोर तक यदि करंट पास कर रहा है तो मतलब ये धारा चालक है, मतलब ये सही है। चालक जिससे धारा का मान पर प्रवाहित हो सके उसे चालक कहते हैं, और जिससे नहीं हो पाएगा उसे अचालक कहना। मतलब यहाँ से यहाँ तक जा यदि करंट फॉलो हो रहा है तो मतलब चालक है, और नहीं हो रहा तो अचालक है। ठीक है बच्चों, तो चालक भी समझ गए और चालक भी आप समझ गए। अब आ जाते हैं मेन मुद्दा पर, आइए अब आपका स्वागत है फिर से। अब भाई ओम का नियम, नियत ताप, देखिए नियत ताप समझ में आ गया। नियत ताप पर चालक के दोनों सिरों के मध्य, नियत ताप पर चालक के दोनों सिर, एक सिर ये है दूसरा सिर ये है, दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, इसके बीच में एक उत्पन्न विभवांतर होगा, उसमें प्रवाहित होने वाला धारा के समानुपाती होता है। यही बात आए और भी वाली बात, जब हम क्या बोले ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, यही बात है जो इसमें कहा है आपको डिफिनेशन के रूप में। इसे आप याद कर लेंगे या यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जब नियत ताप पर चालक के दोनों सिरों के मध्य, चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को, यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न हुआ, उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के, इसमें जो प्रवाहित हो रहा है धारा, इसके धारा के समानुपाती होगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, यही चीज। आगे अभी दारू लेना ले लीजिए, अभी रुकिए। तो यही बात है, यही से हम लोग डिफिनेशन को याद कर सकते हैं, यदि नहीं होता है तो अपना याद कर लीजिए। अब देखिए अभी इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों समानुपाती, क्या बोलते हैं समानुपाती, भी समानुपाती आय, जब समानुपाती को हटाएंगे तो बराबर आय आ रहा हो जाएगा, मतलब ओम के नियम अनुसार फॉर्मूला आता है भी बराबर आय आर, भी मतलब विभवांतर, आय मतलब धारा, और आर मतलब प्रतिरोध, आर का मतलब बराबर, भी का मतलब विभवांतर, आय का मतलब धारा, और आर का मतलब प्रतिरोध, भी बराबर आई आर। आपके एग्जाम में कभी कभी भी का मान दे देगा, आई का मान दे देगा, और आर का मान कहेगा निकालने के लिए। इस फॉर्मूला को निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा आराम से। अब आप लोग यहाँ फिर से ये देखिए, तो भी समानुपाती आई, यदि इसको जब हटाते हैं बराबर आई, अब भी बराबर आई आर हो जाता है, जो कि आपको फॉर्मूला भी याद होगा। आगे बढ़ते ओम के नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापन, अब इसकी जाँच करेंगे, हम इसकी जाँच करेंगे। सबसे पहले आप एक छोटा सा ये फिगर है जिससे आपको पढ़ना होगा अच्छी तरह से या सीखना होगा, ये फॉर्मूला आपको बना लेना है एग्जाम हॉल में या फिर अपने कुतुब में बना लीजिए, ये फिगर बना लीजिए। किसको क्या कहते हैं अभी अभी हमने आपको यहाँ पे बता दिया था, देखिए काम आया, अभी अभी बता दिया था। इसको एक साइड में वो अलग चीज़ है, एग्जाम में आपको यही लिखना है, एक करके यहाँ करके मोबाइल आ रहा है ये वाला पार्ट आ रहा, जी सर थोड़ा सा आ रहा आ गया। चलिए आपको क्या करना है, ये फिगर बना के इसको दर्शाना है, यहाँ इसका मतलब क्या होता है, अभी अभी हमने बताया कि बैटरी होता है, बैटरी लिखिए, फिर इसका मतलब क्या होता है, देखिए पहले इसका मतलब, फिर क्या एम्पियर, ये चिन्ह किसका है एम्पियर का, तो एम्पियर लिखेंगे। भी मतलब इसका मतलब क्या हुआ, तो वोल्टमीटर, ये हम छोड़ दिए, प्रतिरोध होता है, यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, प्रतिरोध होता है ना। यहाँ पर आरएच का मतलब हो गया मेरे पर बच्चों धारा नियंत्रक को बोलते हैं, किसको बोलते हैं धारा नियंत्रक को बोलते हैं। इसके बाद ये एरो देना मत भूलना, एरो का मतलब हो रहा है, इस एरो का मतलब कि कुछ इस तरह से यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ इस तरह से घूम के आ रहा है, फिर रिटर्न यहीं पर आ रहा है ना, ये बात। फिर ये स्विच है, ये कौन स्विच है, बंद स्विच है,
इसी को हटा देंगे तो खुला स्विच हो जाएगा। तो ये आपको यही चीज आपको यहाँ पे इंडिकेट करके बता देना है कि किसका मतलब क्या होता है, इससे आपका टीचर गदगद खुश हो जाएंगे आपसे, फिर आपका नंबर भरपूर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसे ग्राफ में भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए टेबल, देखिए इसको समझिए, जैसे ये वी है ये आई है, जब धारा का मान हम 5 रखेंगे तो विभवांतर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब धारा का मान हम 10 रखते हैं तो विभवांतर का मान 20 होता है, जब धारा का मान हम 15 रखते हैं तो विभवांतर का मान 30 हो जाएगा। इतना यदि आप समझ गए तो अब इसको ग्राफ खींचना और भी आसान हो जाता है। जिस तरह से आप लोग ग्राफ खींचते हैं उसी तरह से कुछ इस प्रकार से खींचेगा, एक खींचे एक्स अक्ष और दूसरा खींचे वाई अक्ष। क्लियर, क्लियर आने के बाद आप इधर बढ़ाइए, इधर बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको इसमें माइनस वाला बात है ना, तो क्यों निकालेंगे माइनस वाला बात। इसीलिए अब 5, 10, 15, 20 करके बढ़ा लीजिए, जितना आप माने हैं इधर, आप 2, 4, 6, 8 भी मान के बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से 25 के बाद यहाँ 30, 25 किया, इधर भी यही किया, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, नीचे वाले को धारा लिया है, इधर को विभवांतर लिए है, ऊपर वाले को आपकी मर्जी, आप चाहे तो इसको ऊपर रखिए, इसको नीचे रखिए, लेकिन खींचते समय आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर जिस तरह आई का मान मतलब धारा का मान 5 लिए, धारा कहाँ यहाँ 5 लिए तो विभवांतर कितना है 10, तो विभवांतर 10 के सामने में कुछ इस तरह से किया है। अगला आइए, जब धारा का मान 10 लिए हैं तो विभवांतर का मान 20 है, तो धारा का मान जब 10 है तो विभवांतर का मान 20। देखिए इधर से मिलाया गया, गौर से देखिएगा। अगला, जब धारा का मान 15 है, धारा का मान जब 15 है तो विभवांतर का मान 30 है, इस तरह से करके आके जब इतना कर लेंगे तो आपको यहाँ से लेकर के इसको धीरे 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 करके पूरा मिला करके बढ़ा देना है। बस ये हो गया आपका खत्म ओम का नियम। मेरे प्यारे बच्चों, ओम के नियम यदि आपको पूछा जाता है, ओम का नियम इस तरह से पूछेगा कि ओम के नियम को लिख कर इसे सत्यापित कीजिए या फिर इसे जांच कीजिए, मतलब इसका डिफरेंशियल लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये फिगर बना देना है, इसको दर्श फिगर में किसका मतलब क्या हुआ। आप यहाँ भी लिख सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, आपके फेसे पर यदि कोई कह दे कि लिख देगा फिर तो ये नाक, ये आँख है, ये नाक है, ये बाल है, इस तरह से लिख देगा, कितना आपका फेस बेकार हो जाता है ना। इसलिए आप यहाँ नहीं लिख करके आप यहाँ पर लिख रहे, लिख दीजिएगा आपकी मर्जी, वो आप पर डिपेंड करता है, आप किसी को बेकार कर दें, फिगर को बेकार करना चाहते हैं तो लिख दीजिए कि ये कौन स्विच है, बंद स्विच है, ये बैटरी है, ये एम्पियर है, ये वोल्टमीटर है, ये प्रतिरोध नियंत्रक प्रतिरोध है, क्या धारा नियंत्रक है, लिख सकते हैं। इससे अच्छा हम क्यों नहीं आसान में लिख दें, सबका मतलब क्या होता है, ये सबका मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर लिख दिए, किसका मतलब क्या होता है, क्या है बात कर रहा है, तो किसका मतलब क्या होता है लिख दिए, बस ये भी दर्शाती है, ये आपका खत्म। इतना लिख देते हैं, गारंटी 110% गारंटी है कि पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।